नमस्कार दोस्तों, महाकाल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा जो हमारा फ्लाईओवर का पियर कैप है, पियर कैप वाली पोर्शन जो है उसको हम सबसे पहले पियर की फाइनल लिफ्ट पियर कैप का बॉटम आने के बाद हम क्या करते हैं, पियर कैप का एक बेड बनाते हैं। पियर कैप का जब बेड हम बनाएंगे तो उसको बेड सॉलिड कर रखेंगे PCC करके, क्योंकि क्या रहता है उस पर स्टेजिंग स्टेबल करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं स्टेजिंग का। आपको दिख रहा होगा फ़ोटो में स्टेजिंग कैसे लगाते हैं, इसके नीचे जो बेस है वो दिख रहा होगा आपको, PCC हुआ है। PCC के बाद पियर कैप के बॉटम तक हम शटरिंग लगाते हैं। उसके बाद शटरिंग जब लग जाता है प्रॉपर, आपको दिख रहा होगा जो ये पियर कैप के नीचे जिस स्टेजिंग हुई है ये कैसे स्लोप में है, इस पर ड्राइंग से ही हम स्लोप में बनाते हैं इसको। स्ट्राइक स्ट्रेचिंग लगाते हैं 500 के स्पेसिंग के हिसाब से हम इसको फिक्स करते हैं। जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो इसको हम इसको ध्यान करते हैं कि इसमें जो हाइट है ये वेरिएशन में रहता है। आपको दिख रहा हो इसके ऊपर हम आई गर्डर टाइप का रखते हैं, चैनल जिसको हम बोलते हैं, और इसको प्रॉपर तरीके से हम वेल्डिंग करते हैं फिक्स करके। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इसको हम देखते हैं कि ये स्लोप में है तो ये स्लिप ना करने पाए, इसलिए वेल्डिंग करते समय हम साइड में एक स्टील का टुकड़ा वेल्ड करते हैं ताकि ये स्लोप में है तो गर्डर हमारे स्लिप ना करें। और मेन चीज़ हमको ये केयर करना पड़ता है जो हमारा स्टील है, स्टील को प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग के अनुसार बाइंडिंग किया जाता है ताकि ये जो पियर कैप का वर्टिकल स्टील इसमें प्रॉपर ली आ जाए। रिंग अपना जो आउटर रिंग होता है, इसमें 3-4 टाइप के रिंग होते हैं, जो कि 2 इनर होते हैं 2 आउटर होते हैं, और इनर वाले जो होते हैं 2 अंदर एक साइड में करके बनते हैं, और दोनों आउटर वाले आउटर साइड से एक आउटर से वो दूसरे साइड आउटर में जा करके वो बनते हैं, तो वो वर्टिकल स्टील के बीच से होकर के जाते हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट उसको ध्यान देना ज़रूरत होती है। और इसका जो हमारा टॉप मेस देख रहे होंगे आपको बंधा हुआ, जो टॉप मेस है इसको पहले फिक्स करते हैं, कैसे भी करके हम टॉप मेस को फिक्स करते हैं, फिर उसके बाद बीच वाली रिंग वगैरह डालना चालू करते हैं। बॉटम मेस को पहले बांध देते हैं फिर उसके बाद टॉप मेस को फिक्स करते हैं, और जैसे आपके सुविधा के अनुसार, आप पहले बॉटम डाल सकें तो बॉटम डाल लीजिए, बॉटम डाल लेंगे तो टॉप मेस आप फिक्स कर लेंगे। रिंग आपको लास्ट में लगाना पड़ता है ताकि बीच वाला स्पेस गैप दिखेगा आपको, उसके अनुसार आपको देखेंगे कि इसमें जो स्टील दिख रहा है ये प्रॉपर स्पेसिंग में दिखेगा, और जितना विड्थ होना चाहिए एक्चुअल विड्थ के अनुसार ही बनता है ये। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो दिखाऊंगा इसमें टॉप में जो मेस बंधा हुआ है इसका स्पेसिंग डबल मेस है, इसमें ड्राइंग आपको मैं शेयर करूँगा जिसमें आपको समझ में आएगा। और इसका जो दिख रहा होगा आपको जो वर्टिकल स्टील है इसमें जो रिंग अंदर से लगा हुआ है एकदम प्रॉपरली लगा हुआ है, ये हमारा मेस रेडी हो गया है। अब इसमें शटरिंग लगाने का व्यवस्था किया जा रहा है, अभी इसके ऊपर और भी स्टील बाइंडिंग करना बाकी है, जिसमें आपको मिलेगा रेस्टेनर, पेडेस्टल्स, जिसके ऊपर पेडेस्टल के ऊपर हमारे गर्डर रेस्ट करते हैं, और भी मिलेंगे आपको बियरिंग फिक्स करने के लिए, फिक्स बियरिंग, फ्री बियरिंग को फिक्स करने के लिए, और भी पेडेस्टल्स मिलेंगे, वो लास्ट में लगाया जाता है, शटरिंग कंप्लीट करने के बाद भी हम लगाते हैं। आपको दिख रहा होगा ये शटरिंग जो हम फिक्स करते हैं इसको साहुल में फिक्स करेंगे, और कवर मेंटेन करके रखा जाता है, मिनिमम 40 mm का कवर होता है आउटर फेस में, और बॉटम जो शटरिंग लगा हो उसमें भी 40 mm का कवर रहता है, कवर को हम मेंटेन करके इसको रख करके ही स्टील को बाइंडिंग करते हैं। और मेस को प्रॉपर बाइंडिंग करने के बाद स्टील ये शटरिंग फिक्सिंग का काम करते हैं। जब हम शटरिंग फिक्सिंग करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा वर्टिकल जो शटरिंग लगाते हैं इसको साहुल में लगाते हैं, अगर हम वर्टिकल शटरिंग को साहुल में नहीं लगाएंगे तो ये हमारा पियर कैप डी शटरिंग कॉन्क्रीट कास्टिंग करने के बाद ये टेढ़ा दिखेगा, तो इम्पॉर्टेंट वही है। और जब हम शटरिंग लगाते हैं तो हमको ये केयर करने की ज़रूरत होती है कि इसको नट बोल्टिंग जो प्रॉपरली किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है प्रॉपर,
और शटरिंग लगाते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो स्टेजिंग भी है वर्टिकल प्रॉपर है कि नहीं है, और एक्स्ट्रा स्टेजिंग लगी हुई है कि नहीं है, और शटरिंग को प्रॉपर नट बोल्टिंग हुआ है कि नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा कास्टिंग करने के टाइम कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस पर लोड बहुत ज़्यादा आता है, गर्डर का आपका लोड आएगा, उसके ऊपर ट्रैफिक का लोड आएगा, स्लैब का लोड आएगा, ये सब कंटिन्यू रहते हैं, इसलिए इसको प्रॉपरली इधर उधर बकलिंग ना होने पाए, इसलिए इसको केयर करने की ज़रूरत होती है। आपको दिखाई दे रहा हो इसमें जो शटरिंग लगाए हैं, इसमें शटरिंग ऑयल भी लगाया जाता है। शटरिंग ऑयल बगैर हम कास्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आएगा। आउटर फेस में हनीकॉम दिखेगा और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो सबसे प्रथम कारण, जब हम शटरिंग चेक करते हैं तो प्रत्येक स्टेजिंग वर्टिकल को चेक करेंगे और साहुल से चेक करेंगे शटरिंग को, उसके बाद ही हम अलाउड करते हैं कास्टिंग के लिए। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊंगा, इसमें लेंथ विड्थ प्रॉपर चेक किया जाता है। अगर लेंथ विड्थ कम हुआ, सेंटर डिस्टेंस कम हुआ, तो गर्डर आपका रेस्ट करने में दिक्कत होगी। आपको दिख रहा होगा ये टॉप मेस जो बंधा हुआ है, ऊपर तीन जालियाँ दिख रही होंगी जिसमें पेडेस्टल रेस्ट होंगे, रेस्टेनर है और भी चीज़ें हैं, तो उसको आपको मैं आगे दिखाना चाहूँगा। अभी देख रहे हैं जो वर्टिकल सेटिंग लगा, इसके में एक्स्ट्रा स्टील का सपोर्ट मैं लगवाया हूँ, ताकि इसमें कास्टिंग के दौरान कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो भी दिक्कतें हैं आपको क्रिएट होती हैं कास्टिंग के टाइम, जो साइड में सपोर्टें लगी हैं इसको भी चेक कर दे जाना है। टॉप में सपोर्ट कितना लगना है, बॉटम में कितना लगना है, साइड में कितना लगना है, ये आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसको अभी आप देख रहे होंगे हमारे को कि इसमें देखिए साइड एक रेस्टेनर है जो 25 mm डाया का स्टील वर्टिकल लगा हुआ है कैप के टॉप में, और बीच में एक पेडेस्टल छोटा सा लगा हुआ है। चार पेडेस्टल हैं एक साइड में, चार एक साइड में, चारों ये सेंटर का पियर कैप है, तो बीच में रेस्टेनर इसलिए लगाया जाता है। रेस्टेनर को इसलिए लगाते हैं कि अर्थक्वेक को मेंटेन करे, कोई अगर भूकंप वगैरह आए तो उसको वो आपका फ्लाईओवर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये रेस्टेनर को फिक्स करते हैं। और पेडेस्टल को क्यों फिक्स करते हैं, क्योंकि इस पर बियरिंग रेस्ट होता है, बियरिंग रेस्ट करते हैं, बियरिंग के बाद हम गर्डर इसी पर रेस्ट करते हैं, गर्डर के ऊपर हमारा स्लैब आ जाता है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी आपको देख रहे होंगे कि हमारा ये पियर कैप कम्प्लीट हो गया है कास्टिंग के लिए, ये कास्टिंग हमारा स्टार्ट हो गया है। हमारे क्लाइंट वगैरह भी आते हैं चेक करने के लिए, तो हम उनको चेक भी करवाते हैं अप्रूवल लेने के लिए, ताकि हमारा भविष्य में कोई भी दिक्कतें उनको भी ना हो और ना मेरे को ही हो जाए। तो ऐसे आपको दिख रहा होगा जो रेस्टेनर के ऊपर ऐसे फिक्स कर रहे हैं हमारे ये वर्कर जो हैं, रेस्टेनर फिक्स कर रहे हैं और पेडेस्टल फिक्स कर रहे हैं। ये स्टील को बना के रखा जाता है पहले, फिर लास्ट में हम इसको फिक्स करके प्रॉपर बाइंडिंग करते हैं। और ध्यान रखें कि जो हमारा पेडेस्टल हम कास्टिंग करते हैं, पेडेस्टल कास्टिंग के नीचे मिनिमम बियरिंग का हाइट के अनुसार वो गैप रखा जाता है, क्योंकि बियरिंग के नीचे जो बोल्ट होता है उसका डेप्थ में प्रॉपरली नीचे तरफ आता है, तो वो कॉन्क्रीट बाद में हमको तोड़ना भी पड़ सकता है। इसलिए कास्टिंग के दौरान टॉप सरफेस फिनिशिंग करते समय पेडेस्टल के नीचे मिनिमम 150 mm का गैप रखना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, क्योंकि जो गैप रहता है तो बियरिंग प्रॉपर फिक्स हो जाती है। बियरिंग फिक्स करते समय आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाद में तोड़ना पड़ता है उसको, बियरिंग फिक्स नहीं होगी आपकी, बियरिंग फिक्स नहीं होगी और दिक्कत भी होगी। और भी आपको बताऊँगा, इसमें जो दिख रहा है हमारा कास्टिंग है, कास्टिंग हो रहा है तो कास्टिंग को लेयर बाई लेयर कास्टिंग करते हैं, और सपोर्ट को बीच में नीचे तरफ भी चेक करते रहते हैं कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, और इसमें होल्स वगैरह रहते हैं तो उसको फॉर्म से 2 mm 5 mm के फॉर्म से प्रॉपर पैक करते जाते हैं, क्योंकि वो अगर स्लरी बाहर निकलती है तो उसमें दिक्कतें होंगी। और जो चेक होता है तो प्रॉपर चेक करते हैं, अब कोई भी फॉल्ट इसमें नहीं रहना चाहिए, अगर ज़रा से भी डिस्टर्ब है तो उसको तुरंत क्लियर करवा के ही काम करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हमारा यही मानना है कि जब हम कास्टिंग करते हैं तो प्रॉपर सेटिस्फाइड होकर के कास्टिंग करें, सपोर्ट वगैरह प्रॉपर चेक करके और लेयर बाय लेयर कास्टिंग करें।
मिनिमम 0.3 का लेयर डालते हैं। कहीं कहीं अगर आप नहीं केयर करेंगे तो वहाँ भी दिक्कतें आने लगती हैं कि लोग सडनली वन साइड से पूरा फिल करते जाते हैं तो वहाँ शटरिंग भी बेंड हो जाती हैं और पीयर कैप बैठने का चांसेस रहते हैं। आपको मैं बताऊँगा कि इसमें जो कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग को वाइब्रेटर प्रॉपर मारना चाहिए लेयर बाई लेयर। अगर आप वाइब्रेटर प्रॉपर मार रहे हैं तो फिनिशिंग भी आपकी अच्छे से आएगी, क्योंकि आपका शटरिंग ऑयल लगा है, शाहुल में है शटरिंग भी, तो आपकी फिनिशिंग अच्छी सी आएगी। आपको दिख रहा होगा इसमें जो रेस्टेनर है, पेडेस्टल है बियरिंग करने के लिए, फिक्स बियरिंग फिक्स करने के लिए, क्रॉस गर्डर के ऊपर जो रेस्ट होता है इसमें, ये प्रॉपर हम इसको रखते हैं। और जो कास्टिंग करते हैं ना, तो कास्टिंग को ये केयर करना चाहिए कि हमारा कंक्रीट जो है ज़्यादा स्लरी तो नहीं आ रहा है, स्लम्प ठीक ठाक है, कंक्रीट नीचे जा रहा है, सब कुछ मेंटेन करके लैब को भी वालों को भी प्रॉपर चेक करवा के ही प्रॉपर कास्टिंग करना चाहिए। और एक चीज़ आपको केयर करने वाली ज़रूरत है कि क्योंकि अभी ये फ़ोटोज़ में आपको दिख रहा होगा जो वर्टिकल हमारी स्टेजिंग है, उस वर्टिकल स्टेजिंग में जो हमारा बेस जैक यू जैक लगा हुआ है, इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें मिनिमम कम से कम 150, मैक्सिमम 150 mm से ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए। अगर आप 150 mm से ज़्यादा खोल देंगे तो आपकी शटरिंग बेंड होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आप का लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। और इसमें मैं तो एक्स्ट्रा स्टेजिंग लगवाया हूँ जिससे दिक्कतें नहीं होंगी। और जो साइड में सपोर्ट लगते हैं, साइड में जो सपोर्ट लगाया जाता है इसको प्रॉपर फिक्स कर रहे हैं, पता चला हम वेल्डिंग कर दिए साइड में और चैनल के साइड में वेल्डिंग हल्का कर दिए, तो वो साइड में लोड आएगा तो वो ऑटोमेटिक सपोर्ट निकल जाता है। ये प्रॉपर ध्यान देने वाली ज़रूरत होती है। इसमें जो होल्स वगैरह हैं तो उसको भी ध्यान दे करके ही किया जाता है। और आपको मैं बताऊँगा, जब कास्टिंग हो जाता है तो हमारे को क्यूरिंग करने की बहुत आवश्यकता रहती है। इसको मिनिमम 14 डेज तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर क्यूरिंग नहीं करोगे तो स्ट्रेंथ कंक्रीट का नहीं आएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करने के बाद जो हम क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग को प्रॉपर सूखने ना पाए जब तक क्यूरिंग करना चाहिए। सूखा आप मिनिमम 3 times तो डालना चाहिए, मॉर्निंग में और नून टाइम में और इवनिंग में, 3 times तो आपको क्यूरिंग करना चाहिए प्रॉपर कवरिंग करके। कवरिंग बोले तो हेसन क्लॉथ डाल करके ही क्यूरिंग करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें बॉन्ड नहीं बना सकते टॉप में, तो बॉन्ड बन नहीं सकता है। और आप जो डीशटरिंग करते हैं, कास्टिंग करने के बाद डीशटरिंग करते हैं, तो आप मिनिमम 2-4 days जो भी है साइट कंडीशन के अनुसार आप करते हैं, तो मिनिमम हमारा मानना है कि 7 days के बाद ही डीशटरिंग करें इसका, क्योंकि पीयर कैप का लोड ज़्यादा होता है। और यही है कि जो कास्टिंग करेंगे तो प्रॉपर वाइब्रेटर लगा के ही करेंगे, और जो कास्टिंग करेंगे तो वाइब्रेटर लगाएंगे ही आपका, ताकि कंक्रीट प्रॉपर कंपैक्ट होते जाएगा। और जो टॉप में हमारा फिनिशिंग होता है, आप देख रहे होंगे फिनिशिंग हुआ है, फिनिशिंग होता है तो ये प्रॉपर फिनिशिंग करते हैं, क्योंकि टॉप सरफेस ये दिखता रहता है, टॉप सरफेस है। देखो हमारा ये कास्टिंग हो रहा है, ये बूम प्रेशर के द्वारा हो रहा है, बूम प्रेशर लगाते हैं तो हम उससे कास्टिंग कर पा रहे हैं। आपके पंप भी हो तब भी कास्ट कर सकते हैं, रैम बना के कर सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार आप कास्टिंग करेंगे। आपका देखिए हमारा ये कास्टिंग करके छोड़ दिया गया है, अब इसको कम से कम 6-7 days बाद डीशटरिंग करेंगे ताकि ये स्ट्रेंथ प्रॉपर आ जाए। वैसे तो हम करते हैं 14 days बाद करना चाहिए, अब कहीं शटरिंग नहीं अवेलेबल रहती तो साइड कंडीशन के अनुसार 7 days के बाद हम खोल लेते हैं, कहीं कहीं साइड के सपोर्ट वगैरह 2nd day में ही खोल देते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि वर्टिकल जो स्ट्रेचिंग है, वर्टिकल स्ट्रेचिंग को प्रॉपर ही रखा करके, और ये कपलक का जो कप है, कप को प्रॉपर चेक करना चाहिए। अगर कपलक का कप प्रॉपर नहीं चेक करेंगे तो आपका जो ब्रेशिंग पाइप है, मतलब लेज़र पाइप है जो, वो स्लिप कर सकता है। और कास्टिंग करने के बाद आप डीशटरिंग करते हैं, देखिए 2nd day डीशटरिंग कर दी है, साइड नीचे के सपोर्ट वगैरह नहीं हटाए हैं लेकिन साइड की डीशटरिंग कर दिए हैं, यहाँ पे ये 2nd day ही कर दिए हैं ताकि कवर वगैरह करके प्रॉपर क्यूरिंग करते रहें। आपको दिख रहा होगा टॉप में रेस्टेनर है, ये रेस्टेनर को गर्डर को इधर उधर ना मूव हो सके इसलिए लगाया जाता है। देखिए ये क्यूरिंग भी प्रॉपर हो रही है, यहाँ पर क्यूरिंग को प्रॉपर करते हैं, फुल्ली क्यूरिंग, हैसन क्लॉथ गीला रहना चाहिए नहीं तो दिक्कत हो सकता है।
और आपको दिख रहा होगा इसमें जो नीचे का डी शटरिंग करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि डी शटरिंग करते समय हमारी जो शटरिंग वगैरह है प्रॉपर, कहीं भी रिपेयर आएगा तो उसको हम रिपेयर हनीकॉम्ब आएगा तो रिपेयर करेंगे सडनली, क्योंकि वो बहुत ही गंदा दिखता है। आपको देखो दिख रहा है आपका फाइनली डी शटरिंग करने के बाद कैसा दिख रहा है, कितना अच्छा सा पियर कैप हमारा है ये, फाइनली आपको मिलेगा ये ऐसे। और आप